स्कॉर्पियो S11 आ रखा हमारे पास, इसके बाद अब क्या करवा सकते हो, बहुत ऑप्शन है S11 में भी काम करवाने के। पिलर लाइट एड ऑन हो गया, ठीक है, बम्पर पट्टा हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, पीछे की सेफ्टी गार्ड हो, बेज कलर में आता था जहाँ ये स्पीकर लग रहे हैं। अब हम इसे कर दिए स्कॉर्पियो एन वाली का, उनमें भी जरूरत पड़ती है डैम्पिंग की, आप डैम्पिंग करवा सकते हो। एक फ्रंट स्पीकर लग गया हमारा, स्पीकर हो गया, ट्यूटर हो गया इसका, ठीक है, ट्यूटर भी हम इंस्टॉल मतलब कंपोनेंट कर रहे हैं फ्रंट में। तो पाइनियर का एम्पलीफायर लग रहा है, इसकी गेटअप ऐसे आने वाला है, ऐसा गेट आने वाला, पूरी फिटिंग होकर देखना। इसमें एक रिफ्लेक्टर लाइट एड ऑन किया, अब मैं आपको ब्रेक भी एक बार जला के दिखाऊंगा। डिक्की में भी कोई बैठा हुआ है तो उनको भी एक लुक अच्छी आनी चाहिए, इधर भी और इधर भी है, ठीक है। और पैनल ये वुडन टेक्सचर कर दिया, ये वुडन टेक्सचर कर दिया, ये हमारी सीट कवर के हिसाब से पूरी डिजाइनिंग हो गया है। जो लेदर राइट हमने डैशबोर्ड के ऊपर करा हुआ है, और इसकी स्टिचिंग भी देख सकते हो कितनी फिनिशिंग, इस इवेंट में भी देख सकते हो सेम हमने यही टेक्सचर करा, देख सकते हैं ये जो AC आता था ये ब्लैक में ही आता था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जय ऑटो रामा रोड और चामुंडा भैया के पास। कैसा भैया? बढ़िया। आज से स्कॉर्पियो S11 आ रखा हमारे पास, कई ग्राहक S11 ले लेते हैं और थोड़े से नाखुश हो जाते हैं। भैया S11 लेने के बाद अब क्या करवा सकते हो, बहुत ऑप्शन है S11 में भी काम करवाने के, और क्या ऑप्शन होता है मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। S11 वाले भाई तो एक अलग ही दिल खोल के पैसे खर्च कर सकते हैं अगर उनको काम करवाना हो तो आइए मैं दिखाता हूँ क्या क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो S11 लेके ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया, ये नहीं कि खत्म हो गया, S11 के बाद भी जो ऑटो पे होने वाला है अच्छी काम दिखाता हूँ, ठीक है, दिखाते हैं। अब तो बस आज स्कॉर्पियो कितनी है? स्कॉर्पियो तो हमारा 3 है, एक तो स्कॉर्पियो है जो मेन है वो ये रही, और दो स्कॉर्पियो इधर है, यहाँ पे UK से आई है एक और एक इसके आगे खड़ी हुई है, हाँ ठीक है। जो मेन है अपनी राजस्थान नंबर है ये आ रखी है S11 मॉडल, हाँ। तो S11 में आज दिखाएंगे आपको क्या क्या चीजें लगा सकते हैं और इंस्टॉल। इसमें जो एड ऑन हुआ अभी बाहर की तरफ से वो हमारा पिलर लाइट एड ऑन हो गया, ठीक है, बम्पर पट्टा हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, पीछे की सेफ्टी गार्ड हो गया, ठीक है, ये सब चीजें नहीं मिलती है, एड ऑन हुआ अभी तक इसमें। अब मेन काम है अभी इधर बाहर से भी आ जाओ, इसके अंदर व्हाइट LED लाइट लगा होगा, ठीक है। जो स्टॉक S11 के हेडलैम्प्स है उसमें हैलोजन आता है, इसमें व्हाइट LED लाइट लगने वाला है, तो एक ब्राइटर सेटअप के लिए तो चाहिए। देखता हूँ व्हाइट LED लाइट भैया लगवाते या नहीं, वो मैं ध्यान नहीं आ रहा कि है या नहीं, ठीक है, परफॉर्मेंस डबल हो जाती है वैसे, हाँ बहुत डबल के ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। अंदर आते हैं, अंदर से दिखाते हैं उसमें डैम्पिंग, इंटीरियर दिखाते हैं इसका, इंटीरियर में जो चेंजेस कर रहे हैं आज हम, पूरी डैशबोर्ड खुली भरी है। अब S11 में डैशबोर्ड क्यों खुलता है, क्योंकि इसमें AC रूम तो लगना नहीं होता है, इसमें हमारा सीट कवर की अकॉर्डिंग ही पूरी डैशबोर्ड रैप हो रहा है, ठीक है, डोर पैनल हो रहा है, गियर बूट होगा, स्टीयरिंग की कवर होने वाला, सीट कवर होना, थोड़ी सी स्किन गेटअप जो है ना अलग देने वाले हैं, ठीक है। जो S11 का इंटीरियर है उसको थोड़ा सा अलग चेंजेस, साउंड क्वालिटी देखो, पीछे डिक्की देख सकते हो, ठीक है, ओवल स्पीकर्स अपने लग चुके हैं, और ये पीछे वाला ये चेंज करा है लेदर राइट में, हाँ इसी तरीके से पूरी कॉम्बिनेशन बन गया, बेज कलर में आता था जहाँ ये स्पीकर लग रहे हैं। अब हम इसे कर दिए स्कॉर्पियो एन वाले का, ठीक है, स्कॉर्पियो एन वाला ब्राउन कलर में, बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ डोर्स भी डैम करें, S11 में भी जरूरत पड़ती है डैम्पिंग की, आप डैम्पिंग करवा सकते हो एक साउंड प्रूफ बनाने। साउंड क्वालिटी इसके अंदर 0 आता है, एक आपको नॉर्मल साउंड सुनने के लिए तो चलो ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी अगर आप चाहते हो साउंड की वो इसमें नहीं है। अगर आपको अच्छी साउंड चाहिए तो आप बेसिक स्क्रीन ही रख लो, स्पीकर चेंज करना हो तो एक एम्पलीफायर डाल लो, ठीक है। तो इसमें स्पीकर से अपग्रेड कर रहे हैं हम कुछ, हाँ एक कंपोनेंट स्पीकर लग गया हमारा, स्पीकर हो गया, ट्यूटर हो गया इसका, ठीक है, ट्यूटर भी हम इंस्टॉल मतलब कंपोनेंट कर रहे हैं फ्रंट में, हाँ ठीक है। S11 के अंदर स्पीकर्स तो आते हैं लेकिन वो नॉर्मल पेपर, छोटी सी नॉर्मल स्पीकर होता है वो हम हटा दिए, अब इसमें हम डाल दिए कंपोनेंट स्पीकर, ठीक है, फ्रंट पीछे ओवल स्पीकर हो गया, कोएक्सियल, इसमें वायरिंग प्रॉपर तरीके से देखो कितनी, ये एम्पलीफायर, ये वायरिंग देखो फिनिशिंग, अब ये सीट के अंदर फिक्स हो जाएगा, पाइनियर का एम्पलीफायर लग रहा है, ठीक है, वो भी ब्रांडेड ही लग रहा है, ब्रांडेड कुछ लोकल नहीं लगेगा यहाँ, ठीक है, वायरिंग अपनी प्रॉपर आ रखी है फ्लोरिंग के नीचे, इसमें एम्बियंट लाइट किया जा रहा है, फ्लोरिंग किया जा रहा है। अब एक बार ना पूरी गाड़ी फाइनल होने के बाद मैं दिखाता हूँ वायरिंग की फिनिशिंग, देखो आप पहली बात देखो वायरिंग जो हुआ यहाँ से, ये सारी वायरिंग आ रखी है, ये देखो वायरिंग की फिनिशिंग किस हिसाब से है, वायरिंग RC लीड भी किस हिसाब से किया, पूरी प्रॉपर टाई बेल्ट से टाई अप करके, अगर यहाँ से भी वायरिंग जा रहा है तो आप देख सकते हो इधर, ठीक है, इधर वायरिंग हर जगह टाई बेल्ट मिलेगी आपको, कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ऊपर ही ऊपर कुछ भी हम फैला दिए, ठीक है। आज रूफ डैम्प नहीं करी हुई, रूफ डैम्प नहीं हुआ, ओनली 5 डोर, ठीक है, 5 डोर ही डैम्प, हाँ। अब एक गाड़ी पूरी फाइनल होने के बाद दिखाता हूँ किस तरीके से इसकी लुक निकल के आता है, ठीक है, व्यूअर को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो हम देखते हैं वीडियो के आगे, तो इस वीडियो देख
आपको बने रहना है वीडियो के एंड तक, बने रहना है, एक एक चीज देखना आपको, फाइनल लुक निकल के आएगा इसलिए आपको वीडियो में बने रहना है एक एक चीज देखने के लिए। ठीक है वो एंड में दिखाते हैं, बिल्कुल एंड में मैं दिखाता हूँ क्लियर वीडियो। तो जैसे कि मैं दिखा रहा था इस गाड़ी की पूरी आपको इंटीरियर होते हुए और इंटीरियर में कैसे थीम रहने वाला, अभी सीट कवर फिटिंग हो रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है अभी सीट कवर का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सीट कवर के एक बार उस्ताजी जरा दिखा दो, ये सीट कवर की प्रोसेस ये देख लो, इस वाले में देख लो, सबसे ज्यादा इसमें आपको पता चलेगा परफेक्ट फिट हो चुका है अभी। हाँ ये देख लो जी, ये प्रॉपर फिटिंग हो चुका है, ये सेम एन वाले डिजाइन में ही है। मैं कह रहा हूँ एन वाले डिजाइन में बीच में हमने डबल स्टिचिंग डाल दिया जी, इसकी गेटअप ऐसे आने वाला है, ऐसा गेट आने वाला, पूरी फिटिंग होकर देखना, एक लाजवाब थीम आने वाला अंदर। ठीक है इतनी अच्छी, मैं कह रहा हूँ जितने भाई एस इलेवन वाले ले लो एस ले लो, आगे से डिमांड इसी सीट कवर के होने वाला है। ठीक है तो यही ऐसे ही पीछे और फिटिंग प्रोसेस आप देख सकते हो, प्रॉपर बकेट फिटिंग के लिए क्या होता है प्रॉपर, ये देख सकते हो अंदर क्लैंपिंग किया जाता है, हम जो सीट की सिलाई खोलते हैं इसलिए, क्योंकि आप ये देख सकते हो इधर इधर देखो जूम करके दिखा दो, डैमेज नहीं होती अंदर, ये प्रॉपर जगह, इसमें जगह दे रखा होता अंदर क्लैंपिंग करने के लिए, ये सीट में भी देख सकते हो प्रॉपर ये जगह दे रखा, देखो ये क्लैंप की जगह। ठीक है जहाँ जहाँ दे रखा वहाँ क्लैंप करेंगे हम, तो ऐसे सीट फाड़ रहे तो ये नहीं कि डैमेज कर रहे हैं हम, कुछ भी डैमेज नहीं, सीट की सिलाई खोलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसको पूरी फाइनल होने के बाद क्लियर वीडियो क्या निकल के आता है इसकी लुक। तो फाइनली रेडी हो चुकी है अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक एस इलेवन, फाइनली तैयार हो चुकी है, और गाड़ी मैं कह रहा हूँ एस इलेवन वाले सोचते होंगे कि इससे में अब काम नहीं हो सकता, एस इलेवन वाले भाइयों के लिए है कि इसमें क्या हो सकता है, और कितनी अच्छी इंटीरियर आप बनवा सकते हो, कितनी अच्छी गेटअप आप इस गाड़ी को दे सकते हो। मैंने बोला था इसके अंदर एलईडी लाइट भी डलने वाला, बट भैया बोले कि एलईडी लाइट नहीं डालना, एलईडी लाइट नहीं डाला, मैं बात को काटता हूँ। सबसे पहले तो फ्रंट में इसमें डाला गया एबीएस एड ऑन गार्ड। ठीक है ये आफ्टर मार्केट आता है, महिंद्रा ओरिजिनल, महिंद्रा ओरिजिनल है, पर एक्सेसरीज पार्ट में, एक्सेसरीज पार्ट्स में आता है। ठीक है सही है, आप इधर आ सकते हैं साइड प्रोफाइल में, बस इसमें हमने एक डाल दिया डोर वाइजर। ठीक है ये भी कंपनी से प्रोवाइड नहीं होता, ये हमारा एक्सेसरीज में आता है, पार्ट है। बैक में अगर आप आते हो तो इसके अंदर हमने जो एड ऑन किया है वो हमने इसके अंदर एक पिलर लाइट ऑन ऑन किया है। ठीक है इसको एक बार ऑफ करके ऑन कर दे, दिखा दूंगा अभी मैं आपको, इसमें एक रिफ्लेक्टर लाइट एड ऑन किया है, एक हमने इसमें सेफ्टी गार्ड में स्टील, व्हाइट कलर की गाड़ी इसलिए स्टील डाला है, ब्लैक होता तो मैं मैट ब्लैक डालता। ठीक है एक इसमें मैंने जो एड ऑन किया ए डाला मैंने बम्पर पट्टा, जो कि इसके अंदर स्क्रैच से काफी बचाव करता है, इसके लिए लगाना पड़ता है। ठीक है ताकि पीछे वाले कस्टमर अगर उतरे या हाँ तो इसमें स्क्रैच ना आए, बम्पर हमारा डैमेज ना हो, इस चीजों के ध्यान दिया जाता है, एक एक चीज पे ध्यान दिया जाता है। ये हमारा एक ब्रेक लाइट एड ऑन किया गया, इसकी जो है तलब में छोटी लाइट आता है, ग्राहक सोचते यार टॉप है जो लग गया वही तो है, नहीं सर इसने जगह दे रखा आप देख सकते हो, ये देखो इसकी गुलाई देखो एंड है, ये ओल्ड स्कॉर्पियो में आती थी, इसकी सेटअप देखो, ये पूरी जो लाइनिंग है ना इसी के लिए बनाया गया है, कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी नहीं लगाता, मैं अब आपको दिखाता हूँ इसको जला करके। ठीक है अब डिसकंटिन्यू कर दिया महिंद्रा ने, ये बंद हो चुका है, अब ये मैंने ऑन किया, ये जैसे ही ऑन करेंगे स्कैनिंग फीचर, अब मैं आपको ब्रेक भी एक बार जला के दिखाऊंगा, तो ये रहा ब्रेक लाइट अपना, ये कितनी प्यारी लुक निकल के आता है ये लगने के बाद। तो ये कोई नॉर्मल बल्ब नहीं है, ये एलईडी होती है, एलईडी बल्ब होता है, छोटी सी जो उसके अंदर जो बल्ब लग रहा था उसके मुकाबले काफी अच्छी प्रीमियम लगता है, ये गाड़ी की जो क्वालिटी आता है वो निकल के आता है इससे, तो काफी अच्छी लग रही है स्कॉर्पियो पीछे से देखने में। ये तो हो गया हमारी बाहर का काम, इसमें जो मैंने स्पीकर लगाया मैंने आपको दिखाया था, तो ऑडियो का काम भी हुआ, ऑडियो हुआ इसमें, कॉम्पोनेंट ओवल और एक एम्पलीफायर और डैम्पिंग का काम किया गया, और साउंड इतनी अच्छी क्वालिटी फुल साउंड है, आप बूफर भूल जाओगे कि गाड़ी के अंदर इतनी अच्छी साउंड है। तो आउटपुट भी एक बार लास्ट में सुनाएंगे आपको, पहली बात तो डिक्की के व्यू देखो आप, ठीक है ये देख सकते हो पूरा ये बेज कॉन्ट्रास्ट में, अगर डिक्की में भी कोई बैठा हुआ है तो उनको भी एक लुक अच्छी आनी चाहिए गाड़ी का, तो हमारा एक थीम है दे दिया जाता है इंटीरियर के लिए, ये हमारा वुडन टेक्सचर दिया गया है, सिल्वर वाली टेक्सचर इधर भी और इधर भी है। ठीक है कहीं से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके, अभी देखो कंपनी वायरिंग भी कैसे बाहर छोड़ रखी है, सीट कवर की फिनिशिंग दिखा दो एक बार आप। तो ये सीट कवर्स है लास्ट रो के, ये नहीं कि लास्ट रो को हम नॉर्मल छोड़ दे, एकदम जो एग्जैक्ट फिटिंग है फ्रंट की, एग्जैक्ट फिटिंग आपको देखने को मिलेगा, वैसे ही आपको लास्ट मैं दिखाता हूं आपको फ्रंट में, और साथ ही साथ जो अपना मैट है ये भी सेम कलर में लगाया हुआ है, इंस्टॉल करा हुआ है, नीचे फ्लोरिंग किया गया फुल ब्लैक। ठीक है पहले फ्लोरिंग करिए फिर मैट सेम सीट कवर, फ्लोरिंग में कोई हल्की क्वालिटी की नहीं है, फ्लोरिंग में जो क्वालिटी है इतनी बेटर क्वालिटी है आप इसको 10 साल भी यूज कर सकते हो कहीं नहीं जाएगा।
ठीक है, आप तरीके से यूज करते हो तो, अगर नहीं तो 5 महीने भी नहीं चलना। ठीक है, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं हम जो। एक मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ क्या चीज रहने वाला है, एक एक चीज मैं बारीकी से इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि आप तसल्ली से समझ पाए इसमें क्या चीज़ आप करवा सकते हैं, क्या चीज़ आपके लिए नीड है। और ये जो मैं चीज़ दिखा रहे हूँ जरूरी है एस इलेवन के लिए नहीं, एस क्लासिक वाले क्लासिक भाई वाले भाइयों के लिए भी है। ठीक है, इसमें आपको रूफ रेल, स्पॉइलर, साइड के फुटरेस्ट, अलॉय व्हील, हेडलाइट, फॉग लाइट, जितने भी है सब क्लासिक वाले भाइयों के लिए अलग से लगाना पड़ता है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ जैसे कि ये डोर पैनल, क्लासिक वाले भाई आओगे तो ये डोर पैनल लग जाएगा। ठीक है, सही है। अब जिसमें तो लग कर के आता तो इसमें हमें थोड़ी सी अच्छी लुक देना था, तो इसमें हमने देखो वुडन की टेक्सचर कर दिया। तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा ये डोर पैनल, ये वुडन टेक्सचर कर दिया, ये वुडन टेक्सचर कर दिया, ये हमारी सीट कवर के हिसाब से पूरी डिजाइनिंग हो गया, एम्बियंस लाइट, लेदराइट वर्क और अपना एम्बियंट लाइट इंस्टॉल। डैम्पिंग तो आप दिखाई दिए थे। ठीक है, 70 मैट एक बार दिखा दो। और ये स्कप प्लेट महिंद्रा ओरिजिनल। ठीक है, ये वेलकम लाइट, ये विदाउट लाइट, वेलकम लाइट नहीं, स्कप प्लेट से बोलते हैं नॉर्मल। हां, स्कप प्लेट बोलते हैं, महिंद्रा ओईएम पार्ट्स है। ठीक है, ओईएम पार्ट, ओईएम है, एक्सेसरीज में आता है। बाकी मैट दिखाते हैं एक बार, जो नीचे मैट हमने इंस्टॉल करा ये भी सेम सीट कवर के कंट्रास्ट में करा हुआ है, बिल्कुल इसी के हिसाब से कंट्रास्ट हमने रखे हैं। ठीक है, सीट कवर एक बार आप उधर से आगे, तो अब सीट कवर्स दिखाते हैं इसके अंदर जो हमने इंस्टॉल करे हुए हैं। तो ये सेम अपना वही पैटर्न रहने वाला जो हम स्कॉर्पियो एन में इंस्टॉल करते हैं। तो लगने के बाद अब फिटिंग देख सकते हैं कैसी लुक आ रही है इसकी, और साथ ही साथ इसमें तो जैसे आर्म रेस्ट आता है वैसे क्लासिक एस में नहीं आता। कवर हो गया, एक होता है इंटीरियर जो पूरी लाद दिया जाता है, एक होता है सेमी इंटीरियर। ठीक है, आपका सीट कवर हो गया, डोर रैपिंग हो गया, गियर में छोटी सी हमने रैपिंग कर दी, एक स्टीयरिंग के कवर हो गया और एक डैशबोर्ड की रैपिंग हो गया, और डिक्की में छोटा सा हमने पार्ट दिखाया था। ठीक है, स्टीयरिंग भी हम हमारा रैप देख सकते हैं। ये हो गया हमारी सेमी इंटीरियर। एक बार आप लाइट ऑन करके दिखाओ लाइट, तो एक बार आप दिखाते हैं जो लेदराइट हमने डैशबोर्ड के ऊपर करा हुआ है, और इसकी स्टिचिंग भी देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से आया, क्वालिटी वर्क दिखाया जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो। ठीक है, पूरा लेदराइट है ये देखो, इसकी टेक्सचर देखो, S11 की टेक्सचर देखो। ठीक है, ये टेक्सचर दिख रहा है पूरा, हमारे टेक्सचर है देखो। ठीक है, एसी वेंट में भी देख सकते हो सेम हमने यही टेक्सचर करा हुआ है। इधर हमारा नीचे की तरफ दिखाओ, ये जो नीचे वाला पार्ट है इधर देख सकते हो आप, ये वाला पार्ट पूरा हमने इधर पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे वाला दिखाते एक बार, पीछे वाली सीट पे जाके तो बैक वाला ये देख सकते हैं, ये जो एसी आता था ये ब्लैक में ही आता था। हाँ, ठीक है, इसको भी पूरा टोटली हाइड्रो डिप करा हुआ है हमने, पीछे के सीट कवर की फिनिशिंग दिखा दो। ठीक है, तो सीट कवर जो अपने पीछे के रहने वाले वो देख सकते हैं, हेडरेस्ट भी प्रॉपर है फिटिंग की। इस गाड़ी के अंदर जो हमारा एक लुक निकल के आ रहा है ना, बिल्कुल लग्जरी फील लुक आ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि S11 ले ली तो टॉप मॉडल ले ली, टॉप मॉडल ले ली और बस चलाते रहो, आप जोटो पे आकर के ऐसे काम के आनंद ले सकते हैं। ठीक है, एम्बियंस लाइट देख सकते हो कितनी खूबसूरती से लगाया गया है। ठीक है, इसमें पाइपिंग वाली इंस्टॉल होती है, जो सक्सेस है वो अपनी यही वाली एम्बियंस लाइट है। इसके K4 सक्सेस नहीं है, बस जुगाड़ करके यहाँ से यहाँ तक लगा दूँ या फिर लाइन कटिंग करके लगा दूँ डैमेज करके, वो चीज़ काम नहीं होता, जो चीज़ जिसमें सक्सेस है वही चीज़ लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा रूफ लाइट इसमें लग नहीं सकता। ठीक है, जो हम क्लासिक एस वालों को देते हैं 150 वॉट की LED, S11 वाले भाइयों के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो S11 वाले भाइयों के लिए नहीं है अभी, ये अभी नहीं आने वाला, क्लासिक S वाले भाई यूज कर सकते हैं इसमें। बाकी आप डैम्पिंग दिखाई दिए थे किस तरीके से हुआ है, एम्पलीफायर की वायरिंग दिखा देते हैं, एम्पलीफायर फिटिंग दिखा दिए थे। ठीक है, तो साउंड का आउटपुट भी एक बार सुना देते हैं। हाँ, जैसे आप बोलो। तो एक बार साउंड का आउटपुट चेक कराते हैं, जो S11 में स्पीकर आते थे उसके बाद साउंड का आउटपुट तो हमने सुना दिया, ईयरफोन पहन के आप जस्टिस कर सकते हैं क्या साउंड इसमें पहले थी और अब कंपैरिजन में काफी अच्छी हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, कंपोनेंट और जो बैक भैया से भी हम रिव्यू लेते हैं, भैया खुद बताएंगे कि उनको साउंड कैसा लगा। ठीक है, उनको जो क्वालिटी चाहिए था, भैया कह रहे थे मेरे को बूफर डालना है, एक और एम्पावर डाल दो, मेरे को समझ नहीं आएगा। मैंने बोला भैया मैं आपको बिना बूफर के साउंड दूंगा,
और क्वालिटी इतनी फुल अच्छी आए कि भैया कह रहे नहीं भैया थोड़ी सी कम रखो, इतनी भी अच्छी ज्यादा नहीं चाहिए था। अपने जो ओवल्स है वो बहुत काफी अच्छे वूफर जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सर देखो जी मैं कह रहा हूँ कभी भी जो ओवल स्पीकर है ना अगर आप ब्रांडेड कंपनी के लगवा दो, पायनियर में कॉपी बाजार में मिल रहा है, ठीक है, इस चीज से सतर्क रहो आप। कभी अगर ओरिजिनल चीज लग गया तो उसकी क्वालिटी निकल गया था। अगर आप कई बार कहते नहीं पायनियर तो लोकल है, आप लोकल खरीदते ही क्यों, ठीक है, आप ओरिजिनल लीजिए। इन्फिनिटी का स्पीकर बाजार में आपको लोकल मिल जाएगा, सस्ते सस्ते बेच रहे हैं, कभी भी लोकल चीज मिलता है। इस चीजों से ध्यान रखिए, फ्रॉड स्कैम बहुत चल रहा है इस स्पीकरों में, ठीक है। आप ब्रांडेड चीज लो, बिल देख करके लो, वारंटी कार्ड साथ में लो, सीरियल नंबर मैच करके लो वारंटी कार्ड पे स्पीकर पे, बिल जीएसटी बिल साथ में लो, आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो ब्रांड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, हमारे पास ये नहीं कि कोई भी लोकल मिलेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगा। मतलब कि समझ लो आपको फिर ओरिजिनल स्पीकर मिल गया, ओरिजिनल चीज मिल गया तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली आना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आना। अब मैं भैया से पूछता हूँ उनको काम कैसा लगा, ठीक है, रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, रिव्यू लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको आना कहाँ पे, किस तरीके से काम करवाना है, क्या। मैं भैया से पहले बात करते हैं, ठीक है। सो फाइनली आज हमने दिखा दिया आपको S11, तो अपने साथ कस्टमर है, उनका नाम जानते हैं सबसे पहले। नाम है मेरा सुरेंद्र चौधरी, ठीक है, राजस्थान से खाटू श्याम जी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो राजस्थान से ट्रैवल करके आए हो, तो कैसे पता लगा आपको जे ऑटो के बारे में? मैं काफ़ी मतलब साल भर से मैं फॉलो कर रहा था, मेरे को स्कॉर्पियो लेनी थी, ठीक है, स्कॉर्पियो का एक शौक था कि यार मेरे अपने को स्कॉर्पियो लेनी है। गाड़ियाँ और भी थी मेरे पास में लेकिन ये लेनी थी, तो मैं सोच रहा था कि बेस मॉडल लेके फिर भैया से उसको मॉडिफिकेशन करवाएंगे, लेकिन फिर फैमिली नहीं मानी कि यार बेस नहीं लेना है, अपने को टॉप ही लेना है, ठीक है। तो टॉप लेने के बाद में भी मैंने जब बोला सभी को कि नहीं यार मतलब अब मैं इसका काम करवाना चाहता हूँ, तो सभी ने बोला कि यार इसमें क्या ही तो करवाएगा, तो इतना तो 20 लाख रुपए तो लगा दिया, अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, S11 तो ले ली, अब इसमें क्या ही मैं पैसे लगाएगा। तो जैसा वीडियोस में देख रहे होगे सीट कवर्स वगैरह इंटीरियर वीडियो देखे थे मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार काम तो अपने को करवाना है, और मैं कहीं पर भी नहीं गया, मैं सीधा जो है वो चामुंडा भैया के पास में आ गया, इनसे 2 दिन पहले ही बात हुई थी, ठीक है, और जैसे जैसे करके मैंने 2 दिन का टाइम निकाला, आज पहुंचा मैं यहाँ पे, और जो काम मैं सोच के आया था ना उससे भी एक लेवल अपर का जो काम है वो मेरे को मिला है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई भी भाई आए ना तो टाइम की जल्दबाजी ना करे, क्योंकि अगर टाइम जल्दबाजी करोगे ना तो भाई साहब फिर काम भी उसी टाइप का मिलेगा, काम भी जल्दबाजी। मैं सुबह आके सबसे पहले गाड़ी मेरी लगी थी यहाँ पे और सबसे बाद में और सबसे आखिरी गाड़ी मेरी जा रही है यहाँ से, ठीक है। बहुत सी गाड़ियाँ आई, बहुत सी गाड़ियाँ गई भी, सबसे पहली गाड़ी आज आई थी, मैंने ओपन भी मैंने करवाया था भैया से फोन और सब और और, और दुकान बंद करवाने का टाइम भी भैया का, सबसे लास्ट में मैं निकल रहा हूँ, तो भैया टाइम लेके आना यार कोई भी आओ, ठीक है। ऑल ओवर सेटिस्फाइड है आप? सेटिस्फाइड क्या, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर से तो भाई साहब ये मतलब एन बन गई, XUV 700 बोल सकते हो, ठीक है, लग्जरी में चले गए भैया की इतनी एक्साइटेड है कि पूछो 700 एन से कंपेयर करो, और सही में लग भी रहा है अंदर, अगर हमने इंटीरियर बनाया भी है। जो एन की और जो 700 की जो थीम आती है, मैंने एन की थीम उठाई है, एज इट मैंने वही कलर बेस उठाया उसका, वही सारा काम और फिनिशिंग कैसा लगा आपको? फिनिशिंग भैया जब स्टाफ जो काम कर रहा है, स्टाफ के बिहेवियर, स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, बस समय लेके आना, जगह के कोई दिक्कत किलकिल नहीं, जगह की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 8-10 गाड़ियां एक साथ लगती है भैया के पास में, काफी स्पेस है। अगर ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड हैं टोटली, ऑल ओवर सेटिस्फाइड, अगर रेकमेंड करेंगे, रेटिंग की बात करें 10 में से कितना देना चाहोगे? भैया देखो 10 में से 9.5 दूंगा, बाकी 0.5 तो कहीं ना कहीं रह ही जाता है। हाँ 0.5 भी नहीं कहीं रहे, कुछ ना कुछ तो देखो रह जाती है दिमाग में। अब ये मान लो 0.5 मैंने इसलिए काट लिया कि इन्होंने मेरा पूरा दिल ले लिया भाई साहब, ठीक है, टाइम की वजह से लिया, काम की वजह से तो नहीं लिया, काम की वजह से जितना काम करवाया उस काम में आपका जो भी टाइम लगा है मेन लगा है हाइड्रो डिपिंग में, हाइड्रो डिपिंग, अगर आपका वुडन टेक्सचर नहीं होता तो आप चले गए होते, मैं फ्री हो गया, 4 बजे से पहले चले गए, 10 घंटे लगते हैं हाइड्रो डिप में, और सीट कवर अपने पसंद से बनवाए हैं, कवर की चॉइस के हिसाब से बनवाए हैं, इनका ऑर्डर पे बना है, तो चले गए होते, ठीक है। तो ये था हमारे भैया के रिव्यू, 5.05% काटे हैं, इसलिए काटे हैं क्योंकि टाइम आप लोगों को पता ही है कि अगर हम हाइड्रो डिपिंग करवाते हैं टोटल इसमें 20 पार्ट था, और 20 पार्ट को हाइड्रो डिपिंग करने में कम से कम 8 घंटे लगता ही है, ठीक है, वो 8 घंटे लगता है। अगर मैंने मान लो खोल के टोटल खोलते खोलते 12 बजे 8 बजे आया, फिर फिटिंग करते करते अगर मैं 10:15 बजे गाड़ी दे रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से ओके हूँ, बट भैया को दूर जाना था, इनको थोड़ा सा लेट हो रहा है, भैया भी अपनी जगह पर सही है, हम भी अपनी जगह पर सही है। आप लोग को अगर इस तरीके से काम करवाना है, अगर
बिल्कुल सेम इसी तरीके से इससे भी अच्छे अच्छे काम करवाना, बेस मॉडल है या फिर एस इलेवन है, तो आप जय ऑटो पे आना ना भूले, और जय ऑटो पे आकर बिल्कुल इसी तरीके से काम के मजा ले सकते हैं आप लोग। और आना कहाँ पे होगा जय ऑटो पे, तो आना होगा जय ऑटो रामा रोड मोती नगर में आना होगा, मोती नगर DLF के सामने हमारा दुकान है, मोती नगर जय ऑटो आपको सर्च मार के आना है। जैसे ही आप गूगल में जाओगे जय ऑटो रामा रोड मोती नगर डालो और बिल्कुल आइए और इसी तरीके से काम करवा के जाइए, खुश होकर के जाइए और टाइम लेकर के जरूर आना, इस तरीके से काम लेकर करवाना तो मॉर्निंग में आइए, जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी जाओगे और तरीके से काम करवाना हो तो। और हाँ, जो भाई अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन के बटन दबाना, क्योंकि सारी वीडियो के लिंक मिलता रहेगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।